नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को यानी कि वोटिंग होगी और इस दौरान दोनों ओर से रस्साकसी जारी है। कौन पहले कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। बीजेपी ने सबसे पहले दोनों सीटों से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, उसके बाद महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। लेकिन इस बार महागठबंधन यानी महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी आगे चलने लगा है इसलिए क्योंकि स्टार प्रचारकों के नाम सामने आ गए हैं। कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे राजद की ओर से जो दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगे, तो ऐसे में सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी कि इस बार लालू प्रसाद नहीं होंगे, राबड़ी देवी भी नहीं होंगी, मीसा भारती भी नहीं होंगे और जो आजकल नाराज चल रहे हैं जगदानंद बाबू वो भी नहीं होंगे। खैर, जगदानंद बाबू का तो मैटर ही कुछ अलग है, लालू प्रसाद सिंगापुर में आपको इलाज के लिए हैं और उनके साथ मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी अस्वस्थ रह रही हैं इस कारण से उनका नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी कि तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन इसमें भी एक चौंकाने वाली बात होगी कि इस बार तेज प्रताप भी लिस्ट में शामिल है। जिन नामों की सूची चुनाव आयोग को भेजा गया है, सूची भेजी गई है, उस सूची में आपको तेजस्वी, तेज प्रताप समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। वो अगर वहां से फाइनल होकर के आ जाता है तो निश्चित है कि यही लोग दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। लेकिन सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, उन्हीं के कंधों पर दोनों सीटों की दारमोदार होगी। दोनों लोग मिलकर के यानी कि तेजस्वी के कंधे पर ही दोनों जगहों की सीटों की भार होगी। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों जगहों पर जीत मिलती है या मात। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में जो सबसे बड़ी बात है वो तेज प्रताप का नाम शामिल किया गया है जो पिछली दफा कुशेश्वर स्थान और तारापुर की मैं बात कर रहा हूं, पिछली दफा जो यहां दो जगहों पर उपचुनाव हुए थे वहां पर तेज प्रताप का नाम शामिल नहीं था, जिसको लेकर के तेज प्रताप ने काफी हंगामे भी किए थे। हंगामा यानी कि वो जो अपना राजनीतिक जो तांडव कह सकते हैं उन्होंने किया था। लेकिन इस बार उनको स्थान दिया गया है और वो भी तेजस्वी के बाद उनके नाम का जिक्र है। लेकिन राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और जगदानंद बाबू का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में स्टार प्रचारक दोनों जगहों पर कमाल दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि जोर आजमाइश तो दोनों तरफ से है। मोकामा की बात करें तो वहां पर आपको दो बाहुबलियों के बीच में टक्कर है। अगर गोपालगंज की बात करें तो वहां पर मामा भी खेल बिगाड़ने के लिए खेल मैदान में आ चुके हैं, मामा अपनी पत्नी को ही उतार चुके हैं। उधर AIMIM के उम्मीदवार भी आ गए हैं। इधर आपको सुभाष सिंह दिवंगत जो विधायक हैं बीजेपी के रहे, उनकी पत्नी कुसुम देवी बीजेपी की उम्मीदवार हैं और वहां से उनको टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। तो देखने वाली बात होगी कि अब आरजेडी के स्टार प्रचारक कितना दम दिखला पाते हैं और दोनों जगहों पर क्या कुछ करिश्मा दिखला पाते हैं। तो यानी कि ये एक बड़ी खबर है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिन जिन नामों का जिक्र है, मैंने आपको बताया कि राबड़ी देवी का नाम नहीं है, लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं है, मीसा भारती का नाम नहीं है और जगदानंद बाबू का भी नाम नहीं है, लेकिन तेज प्रताप का नाम है। तो इस तरीके के तमाम खबर देखने के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।